एडमिशन, एडमिशन ऑफ पार्टनर में टॉपिक क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। देखो, एक तो हमें आना चाहिए रेशियो कैलकुलेशन, याद आया? रेशियो कैलकुलेशन आना चाहिए, यानी हमें क्या कैलकुलेट करने को आ सकता है, न्यू रेशियो निकालो, सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालो, ठीक है ना, ये सारे रेशियो आ सकते हैं। सिंपल, सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या होता है? सेक्रीफाइजिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड का मतलब कोई नया पार्टनर आने से जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनका शेयर कम हो गया होगा, तो पहले ज्यादा था, नया कम हो गया, तो सेक्रीफाइस कैसे आता है? ओल्ड माइनस न्यू। कभी कभी सेक्रीफाइजिंग रेशियो बोलेगा, सॉरी, कभी कभी क्या बोलेगा, न्यू रेशियो निकालो, तो न्यू का मतलब ओल्ड रेशियो में क्या माइनस हो गया आपका, सेक्रीफाइजिंग, यहीं से आ गया ओल्ड रेशियो, सॉरी न्यू रेशियो से ओल्ड माइनस सेक्रीफाइजिंग। क्लियर? एक तो रेशियो कैलकुलेशन आ सकता है। दूसरी बात, हमें क्या पता होना चाहिए, इसी चैप्टर में गुडविल की एंट्री याद है? गुडविल की एंट्री, गुडविल की एंट्री में क्या आना चाहिए आपको? एक केस में पार्टनर सारी गुडविल ले आता है, एक केस में नहीं लाता है, एक केस में कुछ लाता है, और एक केस में पार्टली पे करता है, जिसकी हम एंट्री नहीं करते। जिसमें लाता है ब्रिंग, उसमें क्या सिंपल एंट्री, पहला कैश अकाउंट डेबिट, याद आया, टू कैपिटल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर प्रीमियम बढ़ जाए किसमें? ओल्ड पार्टनर में। किसमें? सेक्रीफाइसिंग रेशो। नहीं लाता तो पहली एंट्री सेम, प्रीमियम नहीं आएगा इसमें, दूसरी एंट्री में उसी कैपिटल से चार्ज कर लेंगे, याद आया, सी कैपिटल डेबिट टू ए टू बी। जिसमें कम लाया है, तो जितनी लाया यहां, जितनी लाया बढ़ जाएगी, जितनी नहीं लाया कैपिटल से चार्ज, याद आया चैप्टर, ये एंट्री याद होनी चाहिए। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या पता होना चाहिए, तीसरा चैप्टर क्या पता होना चाहिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, ये अकाउंट आना चाहिए। कैसे बनाते हैं? बहुत सिंपल है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा पार्टनरशिप के आने रिकंस्टिट्यूट होने से होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड क्या लोगे आप? सारे लॉसेस, और क्रेडिट साइड क्या लोगे आप? सारे लॉसेस, सॉरी सारी इनकम। डेबिट साइड क्या लोगे? असेट्स, अगर कम होता है तो लॉस है। डेबिट साइड क्या लोगे आप? लाइबिलिटी, अगर बढ़ती है तो लॉस है। डेबिट साइड कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आ जाती है तो लॉस है, ठीक है। क्रेडिट साइड क्या लोगे? एसेट्स, रिवर्स बढ़ रहा है, लाइबिलिटी कम हो रही है, और कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स आ गया। क्लियर? इधर आया डिफरेंस तो प्रॉफिट, इधर आया तो लॉस, 90% यही आएगा, प्रॉफिट आएगा, रिवॉल्यूशन प्रॉफिट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसी में क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना चाहिए, है ना, पार्टनर कैपिटल आना चाहिए। पार्टनर हो सकते हैं ए बी सी, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। अब पार्टनरशिप में क्या आता है, इधर बाय बैलेंस बी डी, क्रेडिट साइड बाय प्रीमियम, बाय डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, बाय जनरल रिजर्व, इधर जो उनसे लेंगे। अब इसी पार्टनर कैपिटल में याद करो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कॉन्सेप्ट है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में क्या याद आया तुमको? एडजस्टमेंट होता है दो तरीके से है, नए पार्टनर कैपिटल निकालनी है पुराने पार्टनर के बेस पे, नए पार्टनर कैपिटल निकालनी है पुराने पार्टनर के बेस पे, और एक क्या है, सारे पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना है नए पार्टनर के बेस पे, ये होता है कैपिटल एडजस्टमेंट, जिसमें हमें बैलेंस सीडी निकाल लेंगे हम, जो डिफरेंस आएगा इधर टू कैश बाय कैश, याद आया, ठीक है। लास्ट में बैलेंस शीट बना देंगे, ये तो आसान है, इधर एसेट्स इधर लाइबिलिटी, बैलेंस शीट हमेशा टैली होगी। और चीज क्या मिसिंग है इसमें, कभी कभी आपको एक टॉपिक याद है, हिडन गुडविल, हिडन गुडविल कॉन्सेप्ट, मतलब गुडविल उसमें नहीं भी होगी तो हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं याद करो, नए पार्टनर की कैपिटल को रिवर्स कर दो, फिर सारे पार्टनर की कैपिटल माइनस कर दो, जो डिफरेंस आएगा वो फर्म की गुडविल आ गई, फर्म गुडविल से किसके निकाल दो, नए पार्टनर की कैपिटल, हिडन गुडविल भी था इसमें। तो एडमिशन में ये सारे कॉन्सेप्ट बड़े बड़े, ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन।